बहुत पुरानी बात है। एक नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी रहते थे। दिन में वे भोजन की तलाश में जंगल में जाया करते और शाम को पेड़ पर स्थित अपने अपने घोंसलों में लौट आते। यही उनका दिन क्रम था। एक दिन एक अंधा हंस वहां आया। वह वृद्ध हो चला था। पक्षियों ने उसे दया भाव दिखाते हुए आश्रय दे दिया। पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते तो हंस के लिए भी भोजन ले आते थे। बदले में वह उनके बच्चों की देखभाल कर दिया करता था। इस तरह हंस को बिना मेहनत करे भोजन मिलने लगा और पक्षी भी अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत होकर भोजन की तलाश में दूर दूर तक जा पाते थे। बड़े सुख से पक्षियों और हंस के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस जंगल में आई। इधर उधर भटकते हुए जब वह उस पेड़ के पास से गुजरी तो उसकी नजर पक्षियों के अंडों और बच्चों पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें खाने के लिए पेड़ पर चढ़ी तो पक्षियों के बच्चे अपने बचाव के लिए शोर मचाने लगे। शोर सुनकर हंस चिल्लाकर बोला, कौन कौन है? बिल्ली डर गई और पेड़ से नीचे उतर आई और हंस को नमस्ते कर बोली, हंस जी, मैं बिल्ली हूँ, यही पेड़ के पास रहती हूँ। जंगल के पक्षियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए दर्शन हेतु चली आई। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हंस ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा। वह जानता था कि बिल्ली पक्षियों के बच्चों के लिए खतरा है। बिल्ली समझ गई कि भले ही हंस अंधा और बूढ़ा क्यों ना हो, उसके रहते पक्षियों के अंडों और बच्चों पर हाथ साफ करना असंभव है। वह किसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे विश्वास में लेने का प्रयास करने लगी। वह बोली, हंस जी, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर शक है। आपको लगता है कि मैं पक्षियों के बच्चों को अपना भोजन बना लूंगी, किंतु भरोसा करें, ऐसा नहीं है। एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना समय मैं दूसरों की मदद करने में लगाती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर, आपके सानिध्य में कुछ दिन व्यतीत करने का विचार कर आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दें। हंस उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर बैठा। उसने उसे अपने साथ पेड़ पर रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली तो यही चाहती थी। वह हंस के साथ उसी पेड़ पर रहने लगी और मौका पाकर एक एक कर पक्षियों के अंडे और बच्चे खाने लगी। एक एक कर अपने बच्चों और अंडों के गायब होने से सभी पक्षी चिंतित और दुखी थे। एक दिन सबने इसकी पड़ताल करने की ठानी। जैसे ही बिल्ली को इस बात का अंदेशा हुआ, वो पेड़ छोड़कर भाग गई। इधर पड़ताल करते हुए पक्षियों ने जब पेड़ के कोटर में झांका, तो उन्हें वहां ढेर सारे पंख पड़े हुए दिखाई दिए। उन्हें लगा कि हंस ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। वे सभी गुस्सा हो गए और चोंच मार मार कर बूढ़े हंस को मार दिया। बिल्ली पर विश्वास कर बेचारा हंस व्यर्थ में ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि जिसके स्वभाव की जानकारी न हो, उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। जंगल में एक छोटा सा बंदर का बच्चा अपनी माँ की गोद से उतरकर इधर उधर उछल रहा था। सोना बेटा, उधर मत जाओ, इधर मेरे पास आ जाओ। ठीक है माँ। बिल से आवाज कैसी आ रही है? मैं अभी देखता हूँ। नहीं नहीं, आगे मत जाओ। सोना माना नहीं, वो बिल के पास चला गया। बिल के अंदर एक भयानक सर्प को देखकर वो डर गया। माँ, यह देखो लंबा सा जानवर, इसके मुंह में दो जीभ हैं, काटने आ रहा है। बेटा पीछे आ जाओ, वह सांप है, तुम्हें काट लेगा। बंदरिया माँ ने झपट कर सोना बेटे को पीछे खींच लिया और उसी समय सांप आगे आ गया। बंदरिया माँ ने
अपने बच्चे को सांप से बचाने के लिए पीछे कर दिया। उसका ध्यान बच्चे की तरफ था। ठीक उसी समय सांप ने उसे ही डस लिया। वो भय और दर्द से कराह उठी। सांप भाग गया और माँ बेचारी जमीन पर गिरकर रोने लगी। उसे अपनी मौत से ज्यादा अपने बेटे सोना के अकेले हो जाने का भय सताने लगा। यही बात उसके दिल को बार बार कचोट रही थी। सोना बोला, माँ तुम क्यों रो रही हो? सांप ने तुम्हें काट लिया, मैं उसे मार दूंगा, तुम चुप हो जाओ। माँ बोली, मेरे प्यारे बेटे, इस बिल से हमेशा दूर रहना। मैं अब बच नहीं पाऊंगी। तुम अपने लोगों के साथ रहना, अकेले कहीं मत जाना। बड़े लोग जैसा समझाएंगे उनकी बात मानकर चलना। जंगल में बहुत खतरे रहते हैं बेटा। माँ ये क्यों कह रही हो कि बच नहीं पाओगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो उठो मेरे साथ चल, वह सांप फिर आकर काट सकता है, मैं उसे डंडे से मारूंगा। बेटा यहाँ से चले जाओ, अपना ख्याल। बंदरिया माँ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका बेटा सोना उससे लिपट कर रोने लगा। माँ चुप क्यों हो गई? सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ, तुम्हारे मौत का कारण भी मैं हूँ। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान दे दी। हे भगवान मुझे मार दो, मेरी माँ को जिंदा कर दो। कुछ बंदर कुछ भालू वहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने सोना को समझाने की बड़ी कोशिश की। वो अपने साथ उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगे, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा था। माँ को भी मेरे साथ ले चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। भालू बोला, बेटा माँ का अलग इलाज होगा, तुम हमारे साथ चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम्हें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। इसी बात पर सोना ने सिर झुका लिया और उनके साथ भारी मन के साथ वहां से चल पड़ा। सोना बंदरों की टोली में पहुंच चुका था। वो देख रहा था कि दूसरी बंदरियां माँ अपने बच्चों को बड़े प्यार से संभाल रही थी और खिला रही थी। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। एक आदमी एक बड़े से थैले में बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं लेकर आ गया। सारे बंदर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। वो पैकेट बांटने लगा। बंदरों के अंदर पैकेट लूटने की होड़ मच गई। बड़े बंदर बंदरियां पैकेट लेते जा रहे थे। सोना उस भीड़ में खो सा गया था। बंदरियां माँ पैकेट लेकर अपने बच्चों को खिला रही थी और स्वयं खा रही थी। सोना के हाथ में कोई पैकेट नहीं था। वो लाचार स्थिति में सबको देख रहा था। उसे कोई खिलाने के लिए नहीं आया। वो अकेले बैठकर आंसू बहा रहा था। सच कहें तो वो अपनी माँ को याद कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज अगर माँ जिंदा होती तो पैकेट लाकर उसे भी खिला देती। बंदरों की भीड़ जब वहां से हट गई तब सोना इधर उधर देखने लगा। बंदरों के छीना झपटी के कारण जमीन पर गिरी हुई कुछ खाने की वस्तुएं उसे अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। उसकी भूख ने उसे मजबूर कर दिया था और वो उन्हें उठाकर खाने लगा। एक भालू उसके पास चली आई। वो समझ गई थी कि सोना को बहुत भूख लगी है। सोना मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है, तुम अपने आंसू पोंछ लो, आओ मेरा दूध पी लो। इतना कहकर भालू ने सोना को अपने पास ले लिया और दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर में भालू का बच्चा राजा आ गया और उसने इस बात पर अपना एतराज जताया। माँ तुम इस बंदर के बच्चे को दूध क्यों पिला रही हो? बेटा यह भी तुम्हारा भाई है, इसे बहुत भूख लगी है। राजा बोला, ये बंदर का बच्चा है, मेरा भाई नहीं है। ए बंदर के बच्चे चल भाग जा यहाँ से, ये मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं। बेटा इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, अगर इसे हमने भी दुत्कार दिया तो यह कहाँ जाएगा? कुछ देर पहले जब सारे बंदर खाने के पैकेट खा रहे थे तब इस बेचारों को किसी ने नहीं पूछा। यह सोना भूखा प्यासा सब का मुँह देख रहा था। इसकी माँ नहीं है, इसे बड़ा दुख होता होगा। कोई बात नहीं, आज से हम दोनों भाई भाई। माँ इसे दूध पिला दो, भूख लगी होगी। आओ सोना मेरे भाई, दूध पी लो। सोना बोला, आओ भैया तुम भी पी लो। राजा और सोना में दोस्ती हो गई। वो साथ साथ रहते खेलते और घूमते थे। एक दिन दोनों नदी किनारे पहुंच गए। उन्होंने प्यास लगने पर नदी का पानी पिया और किनारे पर पानी का मजा लेने लगे। राजा पानी में उतर गया।
सोना तुम ही आ जाओ, पानी में मजा आ रहा है। सोना बोला, राजा पानी का बहाव तेज है, आगे मत जाना, पानी गहरा होगा। इसी बीच राजा का पैर फिसल गया और वो गहराई की तरफ चला गया। वो डूबने लगा। वो किनारे पर सोना की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव उसे और आगे ले जा रहा था। सोना भी राजा को देखते हुए किनारे किनारे भाग रहा था। इसके बाद किनारे पर एक पेड़ आ गया और उसकी जड़ पकड़कर सोना पानी में उतर गया। राजा भाई मेरी पूंछ पकड़ लो। राजा ने पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हाथ से फिसल गई। सोना पानी में तैरते हुए और आगे बढ़ गया। वो अपनी पूंछ राजा की तरफ बढ़ा रहा था। राजा ने उसकी पूंछ की जगह उसका पिछला एक पैर पकड़ लिया। सोना को तैरने में दिक्कत होने लगी। भैया मेरा पैर छोड़ो और पूंछ पकड़ो, वरना हम दोनों ही डूब जाएंगे। पूंछ पकड़ लो भैया। सोना ने पैर जोर से हिलाया और अपनी पूंछ को राजा के हाथों की तरफ बढ़ाया। राजा के हाथों में पूंछ आ गई और सोना तेजी से किनारे की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद वो किनारे पर पहुंच गया और उसने फिर राजा भाई को जैसे ही खींचा कि एक लकड़बग्घा किनारे पर आ गया। अरे वाह, एक के बदले दो मिल रहे हैं, मेरी किस्मत के फूल खिल रहे हैं, अब आएगा असली मजा। सोना बोला, आप मुझे खा लो, आपका पेट भर जाएगा। मेरे भाई राजा को छोड़ दो, उसका परिवार है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मरने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, राजा को जाने दो, मुझे खा लो। नहीं नहीं, मेरे सोना भैया को मत छूना, मुझे खा लो। सोना बोला, नहीं नहीं मुझे खा लो, मेरे रहते हुए मेरे सोना को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सोना बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, ऐसा कभी मत कहना कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। ए लकड़बग्घे रुक जा, अभी तेरा काम तमाम करती हूँ। बच्चों को डरा रहा था। इतना कहकर भालू माँ ने लकड़बग्घे की पिटाई शुरू कर दी। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगा। भालू माँ ने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। माँ आज मैं डूब रहा था, सोना भैया ने मुझे बचा लिया। मेरा सोना भैया इस दुनिया का सबसे प्यारा भैया है। भालू माँ ने बड़े प्यार से अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और ममता और प्यार की बरसात होने लगी। उस दिन से राजा, सोना और भालू माँ एक साथ प्यार से रहने लगे।